हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों और मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारी लाडो जी का स्नान हो रहा है, तो सबसे पहले हम जल सिंह को स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद हम इनको अष्टगंध से स्नान कराएंगे, तो अच्छे से इनके फेस को हम साफ़ कर लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इससे काफ़ी अच्छा चमक आ जाती है। अगर इस तरह से भी आप स्नान कराना चाहती हैं तो करा सकती हैं, अलग अलग तरीके से कराइए तो प्रभु बहुत ही खुश रहती हैं। तो आप हर तरह से इनको स्नान कराया कीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप नॉर्मल जल से ही स्नान करा दीजिए, पर डेली स्नान कराना ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद आता है श्रृंगार, तो श्रृंगार भी इनका खूब बढ़िया से आप कीजिए। तो अभी तो हम सभी बच्चों का स्नान का वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फिर इस थोड़ी देर बाद फिर आपको श्रृंगार का वीडियो मिलेगा, क्योंकि सभी वीडियो एक में करना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लोग वीडियो को स्किप भी करते हैं, वीडियो को अच्छे से देखते नहीं हैं। फिर पूछते हैं कि सेवा कैसे करें, ठाकुर जी को कैसे जगाया जाता है, कैसे उठाया जाता है। तो वीडियो को आप अच्छा से देखेंगे ना तो पूरी चीज़ें हम बताते हैं, तो आपको सारी चीज़ें सभी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। वीडियो को आप लोग स्किप मत किया कीजिए, वीडियो फुल देखा कीजिए। तो अभी आपको एक एक वीडियो ऐसे ही मिलता रहेगा, जगाने का, सुलाने का, उठाने का, स्नान करने का, श्रृंगार का। और भी कुछ वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, वो भी वीडियो आप लोग के लिए रेडी हो जाएगी। कोशिश करेंगे आपकी वीडियो को बनाने के लिए। तब देखिए, हमारे लाडो का स्नान हो चुका, अब हमारे लड्डू और बासु स्नान कर रहे हैं। तो सबसे पहले लड्डू और बासु स्नान करेंगे। तो देखिए, लड्डू और बासु स्नान कर रहे हैं, इनको भी सेम ही प्रोसीजर है, इनको भी चंदन से ही स्नान कराया जा रहा है। बस अच्छी सी इनको हल्के हल्के हाथों से मसाज आप कीजिए, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से। और आप लोग बोलते हैं कि आँखों में जाता है तो जलन होता है, तो ऐसा नहीं है। जब हम स्नान कराते हैं तो प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु हम आपको अब स्नान कराने जा रहे हैं दही से या अष्टगंध से, तो प्रभु कुछ देर के लिए आप बाहर निकलिए, जब हम स्नान करा देंगे तब आप अपने विग्रह में फिर से विराजमान हो जाइएगा। तो ऐसे प्रभु को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, जो सेवा करता है वो पूरे नियम से करता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, हमारे बासु स्नान कर चुके, अब स्नान करेंगे मेरे लड्डू। तो देखिए, हमारे लड्डू कितने चमक रहे हैं, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए, हमारे श्याम सुंदर जी का स्नान हो रहा है। ये देखिए, अब हमारे श्याम सुंदर जी स्नान करेंगे अष्टगंध से। अष्टगंध से स्नान कराने से खुशबू बहुत अच्छी आती है, इनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट आ जाता है। तो देखिए, आप कोई भी केमिकल ना यूज करके ये सब तरीक़ों से स्नान कराएंगे तो अच्छा रहता है, आपका विग्रह कभी भी ख़राब नहीं होगा, कभी भी आपके विग्रह में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप दही से स्नान करा लीजिए, आप चंदन से स्नान करा लीजिए, केमिकल बिल्कुल मत यूज कीजिए। तो अच्छे से आप इस तरह से लगा कर अच्छे से मिक्स करिए इनके बॉडी में, नोज़ वगैरह के साइड में। देखिए, कितना भी हम लोग स्नान कराते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपा ही रहता है, ऐसे स्नान कराने से सारे मैल्स निकल जाते हैं। देखिए,
तो चलिए अब हम इनको स्नान कराते हैं। इस तरह से हम अच्छे से इनको लगड़ेंगे पूरे हाथ पैर। तो देखिए अब इनको स्वच्छ जल से हम स्नान करा देंगे। कभी भी आप इनको स्नान भी कराते हैं स्वच्छ जल लीजिए, ताज़ा जल से ही स्नान कराइए। अब देखिए बड़े वाले लल्ला आ गए, अब इन्हें भी हम स्नान कराएंगे। सेम प्रोसीजर इनके साथ भी वही चंदन का ही हम इस्तेमाल करेंगे। फिर इनको स्नान करा देंगे। देखिए कितने खुश होकर स्नान कर रहे हैं मेरे लल्ला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स लोगों के साथ, जिससे उन्हें भी स्नान कराने का तरीका पता चले और वो इस तरह से स्नान कराएं ताकि उनके विग्रह को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ही तैयार किया गया है, क्योंकि काफ़ी भक्तजन पूछते हैं हमारे विग्रह काले हो जाते हैं, हम कितना भी स्नान कराते हैं। तो देखिए इस तरह से स्नान कराइए चंदन से, दही से, अब कराएंगे कभी भी आपके विग्रह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जहाँ पेंट हुआ है वहाँ हल्के हल्के हाथों से ही मसाज करें, ज़्यादा तेज़ रफ मत करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद